कुछ सेटिंग में मेरा प्रॉब्लम है, मैं उसको ठीक कर लूँगा। और ये क्वेश्चन मैं हम लोग यहाँ तक देख लिए थे इस फार्मूला से, ठीक। और टू आया था डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी, और फिर हम लोग फार्मूला से सोल्व करने वाले थे। तो फार्मूला से कैसे सोल्व कर रहे थे, तो एम का वैल्यू हमारा 7 है, ठीक, काउंट कर लिए हैं। आर ई का वैल्यू हमारा 7 है, और फिर जे का वैल्यू हमारा नंबर ऑफ जॉइंट हमारा 8 है, और आर आर का वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे सब वैल्यू पुट कर रहे हैं, देखिए। तो 7 पुट करेंगे तो 21, और प्लस 7 और 8 पुट करेंगे तो 24 माइनस 2, तो हो जाएगा 24 दो 26 और 27 21 7 28 हो जाएगा, और 28 में से 26 का यहाँ 2। भाई फार्मूला भी हम लोग दोनों तरह से देख लिए, भाई फार्मूला भी देख लिए, और वो हमारा फार्मूला क्या है, 3m प्लस आर ई माइनस 3j माइनस आर आर, ठीक। अब चलते हैं, हमारा दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स क्या होगा। डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स के लिए देखिए एक रेंडमली फार्मूला बताते हैं, जो देखकर पता करने के लिए फिर भाई फार्मूला देखेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, और यहाँ भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। तो कितना हो गया टोटल हमारा, 3 3 3, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ 4 है और यहाँ 4 है, तो 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 9 प्लस 8 करेंगे तो हमारा 17 होगा। तो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 17 हो गया। और यहाँ पे जब हम इसमें से देखिए ऑप्शन क्या है, 17 है नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है मेंबर जो है इन एक्सटेंसिबल, तो वहाँ पे हम लोग जितना मेंबर है ना वहाँ से माइनस कर देंगे। तो हमारा मेंबर 7 है, हमारा आया है 17, कितना आया है 17 और फिर इसका भी तो एक फ्रीडम है, इसका भी तो एक फ्रीडम है, ठीक, मोमेंट, ठीक। ये एक ये 17 अब प्लस 1 अब प्लस 1, तो कितना हो गया हमारा 19 में से नंबर ऑफ मेंबर माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 19 माइनस 7 कितना हो जाएगा हमारा 12। तो हमारा 12 है, देखिए 2 आया था और ये 12। यहाँ तक क्लियर है आपको, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स क्लियर हो गया। अब भाई फार्मूला देखते हैं, तो भाई फार्मूला हम लोग को क्या है, अब फार्मूला जो हम लोग को है याद करना पड़ेगा। अगर फार्मूला याद ना रहे आपको तो जो अभी मेथड बताए हैं उस मेथड से चलिएगा, यदि फार्मूला याद है तो भाई फार्मूला पुट कीजिएगा। नंबर ऑफ जॉइंट आपने काउंट कर लिया है, नंबर ऑफ जॉइंट आपका 8 है, तो 8 3 8 जा कितना होगा 24, और फिर माइनस 7 नंबर ऑफ रिएक्शन कितना था 7, तो माइनस हो जाएगा आपका यहाँ पे 7, और फिर ये है कितना 7, तो प्लस माइनस 7, और रिलीज रिएक्शन कितना था हमारा 2, तो प्लस 2 कर दीजिए तो कितना हो गया यहाँ पे 7 7 7 माइनस 7 माइनस 7 14 हो जाएगा, माइनस 14, और 24 में से माइनस 14 चल जाएगा तो कितना बचेगा 10 10 प्लस 2 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 12। चलिए आंसर आ गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है द प्लेन फ्रेम है जो हमारा कहता है फिगर में, इस फिगर में, और क्या है स्टेबल है, वही जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखे थे ये वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या क्या इसका कंसेप्ट है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो कंसेप्ट इसका क्या है, इसमें आर ई माइनस नंबर ऑफ रिएक्शन देख लीजिए, आप फिर वो पुराना वाला फार्मूला लगाइएगा आर ई माइनस 3, तो यहाँ पे ये फार्मूला नहीं लगेगा क्योंकि इस पर लोड लग रहा है ऊपर से, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा नंबर ऑफ रिएक्शन कितना है यहाँ पे 1 1 और 1, ठीक, कितना हो जाएगा 2 और रिएक्शन 2, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे दो ही इक्वेशन मिल रहा है, हमारा इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमारा पे यहाँ पे कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है, ठीक। तो दो इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमको मिलेगा, तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, तो आर ई माइनस 2, तो आर ई का वैल्यू कितना है 2 माइनस 2, तो यहाँ पर क्या हो गया ये और ये कट के 0 हो गया, तो क्या हो गया डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी 0 हो गया, तो क्या होगा स्टेबल और स्टैटिकली डिटरमिनेंट होगा, ठीक है। और बाय फार्मूला इसको बनाना है, तो बाय फार्मूला भी अभी आपको बताएं, तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी का फार्मूला आपको बता चुके हैं, वहाँ से आप बना सकते हैं 3m प्लस आर ई माइनस 3j और माइनस क्या था आर, यही ना फार्मूला था। तो नंबर ऑफ मेंबर जोड़िए कितना आता है 1 2 3, यहाँ पे 3 3 जे का कितना हो जाएगा 9 प्लस नंबर रिएक्शन कितना हो जाएगा
टू, और टू कितना हो जाएगा फोर, फोर माइनस, और ज्वाइंट कितना है वन टू थ्री फोर, तो फोर ज्वाइंट है तो थ्री फोर जा ट्वेल्व माइनस रिलीज रिएक्शन कितना हो जाएगा वन। तो अब यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा हमारा नौ और चार तेरह और फिर बारह एक तेरह, सब कैंसिल हो गया यानी जीरो हो गया। ठीक, यहाँ से डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी जीरो, इसका मतलब है कि हमारा स्टेबल और स्टैटिकली इंडिटर्मिनेंट है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जस्ट उसी तरह है, लेकिन हम लोग इसमें क्या काइनामेटिक इंडिटर्मिनेंसी निकालना है। काइनामेटिक इंडिटर्मिनेंसी कैसे निकालेंगे, तो काइनामेटिक इंडिटर्मिनेंसी निकालने के आपको जस्ट फार्मूला बताएं। फार्मूला क्या था आपका, फार्मूला था थ्री जे प्लस, प्लस था या माइनस, देखिए कितना था, थ्री जे माइनस आर ई माइनस एम एम, यह है एक्सटेंसिबल मेम्बर प्लस आर आर, थ्री यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। नंबर ऑफ जॉइंट हमारा कितना है, नंबर ऑफ जॉइंट हम लोग काउंट कर चुके हैं इसमें, नंबर वन टू थ्री फोर, नंबर ऑफ जॉइंट हमारा फोर है तो हो जाएगा ट्वेल्व, और रिएक्शन कितना था, रिएक्शन हमारा है फोर, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस फोर, माइनस फोर यहाँ तक क्लियर है। और मेंबर हमारा कितना हो जाएगा, फोर मेंबर है फोर, तो यहाँ पे फोर हो जाएगा माइनस फोर हो गया। और उसके बाद और रिलीज रिएक्शन कितना है, तो रिलीज रिएक्शन एक था तो एक रखेंगे तो कितना हो जाएगा एक, तो काउंट कर लीजिए फोर फोर एट एक नाइन्थ यानी थ्री आ रहा है। देखिए तो ऑप्शन थ्री है, हम लोग ने क्या गलती किया है, हम लोग ने गलती क्या किया है। क्वेश्चन नंबर फाइव, डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्वेश्चन नंबर कितना है फोर है, हम लोग का कितना आ रहा है थ्री, हम लोग का ऑप्शन, हम लोग का आंसर कितना आया है थ्री, कितना हो जाएगा फोर 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 एट और माइनस वन, यहाँ माइनस है कि प्लस है, फॉर्मूला में प्लस है, ओ सॉरी सॉरी प्लस, तो कितना हो जाएगा हमारा बारह एक तेरह और आठ, यहाँ से आठ तो बारह में से आठ चलाएगा कितना बचा का चार, देखिए बाई मिस्टेक ये माइनस लिखा गया, माइनस लिखा गया था यहाँ तक प्लस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपका कंसेप्ट। फॉर्मूला क्या है, थ्री जे माइनस आर ई माइनस एम एम प्लस आर ई, यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो कितना आया डिग्री ऑफ फ्रीडम फोर आया है इस क्वेश्चन में, हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम फोर आया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है काइनामेटिक इंडिटर्मिनेंसी ऑफ सिंगल बे पोर्टल फ्रेम फिक्स एट द बेस इज। अब देख लीजिए, अब हम लोग को इस क्वेश्चन में डिग्री ऑफ काइनामेटिक, डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलिए या काइनामेटिक इंडिटर्मिनेंसी बोलिए, ठीक दोनों एक ही होता है। और यहाँ पूछ रहा है कि सिंगल वे क्या है, अब आपको सिंगल वे ही नहीं पता है तो क्वेश्चन का बनाएंगे कैसे आप। सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा सिंगल वे क्या होता है, तो सिंगल वे कैसे होता है, तो सिंगल वे जो हमारा है देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स, ठीक क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर सिंगल वे इसको बोलते हैं देखिए। ठीक, सिंगल वे, अब जैसे आपका घर का गेट है, ठीक मान लीजिए अब गेट का ऐसे भी एग्जाम ही दे रहे हैं तो गेट का एग्जाम दे रहे हैं, तो ये गेट क्या हुआ आपका सिंगल वे है, सिंगल वे। और डबल वे बोलता है तो यहाँ पे एक और इस तरह का होता है उसको डबल वे बोलते हैं। ठीक, तो सिंगल वे में नीचे बोला है कि बेस रहेगा, सपोर्ट के पास बेस है तो हमारा ये बेस है, बेस कौन, बेस में क्या है रिजिड बोला है ना, फिक्स्ड बीम बोला है तो फिक्स है, फिक्स सपोर्ट है तो फिक्स सपोर्ट हो गया। ठीक, आपको थोड़ा देर पहले ही बताया था डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ रहा है ना, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें कितना हो जाएगा हमारा, डिग्री ऑफ फ्रीडम थ्री, टोटल इंडिपेंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम थ्री आ रहा है। ठीक, अब भाई फार्मूला पुट करके देख लेते हैं, हम लोग को फार्मूला पता है, फार्मूला हम लोग को क्या पता है, फार्मूला हमको ये पता है कि थ्री जे माइनस आर ई माइनस एम एम प्लस आर ई आर आर आर, तो यहाँ से हमारा मेंबर कितना है तीन मेंबर है, तो थ्री तीजा नाइन माइनस रिएक्शन कितना है सिक्स और मेंबर कितना है थ्री और रिलीज रिएक्शन कितना है, इसमें रिलीज रिएक्शन जीरो है तो कितना हो जाएगा रिलीज रिएक्शन इसमें कितना है, वन टू थ्री क्या मिस कर दिए,
जॉइंट, हाँ जॉइंट इसमें 1 2 3 4, हाँ जॉइंट इसमें 4 है तो 4 जॉइंट है तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 नहीं 3 4 जा 12, 12 माइनस 6 रिएक्शन। अब सपोर्ट पे तो 3 3 ही रिएक्शन होता है ना, तो 1 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ होगा 6 माइनस एम मेंबर कितना है 1 2 3 3, माइनस 3 कर दिए कितना हो जाएगा हमारा 12 12 माइनस 9 करेंगे आ जाएगा हमारा 3, तो 3 हमारा क्या हुआ डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब एक क्वेश्चन को और देखते हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे समझते हैं हम लोग, ये हमारा फिक्स है, ये हमारा फिक्स है, ये हमारा इस तरह का है ठीक। और उसके बाद ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं यहाँ पे 3 टाइप का फ्रीडम होता है ठीक। ये एक मोमेंट हो गया ठीक, आप इधर जाएगा और इधर जाएगा ठीक, एक्स वाई जेड में मूवमेंट होगा। तो यहाँ पे जो 3 होगा वह सेम वही यहाँ भी होगा, लेकिन दोनों जगह सेम ही अमाउंट में होगा, इसीलिए अगर बोलते हैं कि 3 यहाँ और 3 यहाँ तो 6 हो जाता, ऑप्शन में 6 योर होगा, देख लीजिएगा ऑप्शन में, नहीं ऑप्शन में 6 नहीं दिया हुआ है, चलिए बच गए, और ऑप्शन में कितना है 3, तो 3 है, तो यहाँ तक क्लियर है हमारा। अब जो हमारा थीटा बी है, थीटा एक्स है, बी वाई है और बी जेड है, ये जो हमारा 3 रोटेशन है ये हमारा क्या है, दोनों जगह सेम होगा, इसीलिए इक्वल होगा बी एक्स और सी एक्स, जो सी एक्स में जो डिफ्लेक्शन होगा और दोनों डिफ्लेक्शन सेम है, और ये बी वाई और बी ए सी वाई 0 हो गया, इसीलिए हमारा 3 रिड्यूस हो गया और हमारा क्या हो गया 3 ठीक है। ये क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो इसका आंसर हमारा 3 हो गया, सिंगल बे का इंटरमेंशन कितना हो जाएगा 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर कितना देखना है फिर, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है ए फिक्स बीम एट द एंड, ए फिक्स बीम एट द एंड एंड सब्जेक्टेड टू द लेटरल लोड, क्या है लेटरल लोड, उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं लोड एनी इज, सॉरी ए बीम फिक्स एट द इंड एंड सब्जेक्टेड टू द लेटरल लोड ओनली इज एस्थेटिकली इनडिटर्मिनेंट एंड द डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेंसी बोल रहा है। क्वेश्चन कुछ पहले ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1994 में ये क्वेश्चन आ चुका है और 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इजी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी इजी क्वेश्चन है, बस हम लोग को कंसेप्ट पता करना रहता है कि वो हम लोग से जानना चाहते हैं कि कंसेप्ट आपका है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। तो फिक्स बीम है, सब्जेक्टेड टू द लेटरल लोड है, लोड ओनली द एस्थेटिकली इनडिटर्मिनेंट है एंड डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेंसी, डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेंसी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 1.7 ए फिक्स बीम इंड विद सब्जेक्टेड टू लेटरल लोड ये क्वेश्चन है हमारा सिंपली सपोर्टेड का, और ये रिजिट बीम रिजिट है देखिए ठीक, और यहाँ एक लोड लग रहा है। अब इसी का हम लोग को डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेंसी पूछ रहा है कितना हो गया ठीक, तो डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेंसी तो टोटल यहाँ रिएक्शन कितना होगा। अब डायरेक्ट बोलेंगे कि यहाँ पर सर फिक्स है तो यहाँ 3 लिख लीजिए और यहाँ 3 लिख लीजिए और टोटल आर ई का वैल्यू आप 6 लिख लीजिए ठीक, जो कि गलत है। अभी थोड़ा देर पहले बताए हैं हम कि आर ई का वैल्यू यहाँ 6 तब होता जब यहाँ लोड नहीं होता कोई, जब कोई लोड नहीं होगा तब आर ई का वैल्यू हमारा 6 होता, लेकिन जब लोड आ जाने की वजह से यहाँ पे 2 नंबर ऑफ इक्विलियम जो है रिड्यूस हो गया है, जो कि एक्स में है, तो हमारा तो नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन हमारा 4 हो जाएगा, क्या 4 हो जाएगा, तो ये देखिए तो नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन हमारा 4 हो गया, जो कि हॉरिजॉन्टल में 0 है ठीक, ओनली लेटरल लोड, तो नंबर ऑफ अवेलेबल इक्वेशन हमारा 2 ही रहेगा, क्योंकि 3 होता है ना सिग्मा एक्स सिग्मा समेशन ऑफ एफ एक्स प्लस समेशन ऑफ एफ वाई प्लस समेशन ऑफ एम जेड मोमेंट जो हम लोग करते थे 0, तो वो नहीं रह पाया, अब हमारा 3 होगा, तो यहाँ से देखिए तो यहाँ से हो जाएगा आर ई माइनस 2, तो आर ई का वैल्यू 4 माइनस 2 इजकल टू कितना हो गया 2, तो यहाँ पे हमारा 2 हो गया,
अब देखिए तो डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेंसी कितना हो जाएगा, टू देखिएगा, ठीक यहाँ से कितना टू, और ये एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल टू हुआ, और इंटरनल किसी भी बीम का इंटरनली डिटर्मिनेंट होता है, वो क्या होता है इंटरनली इंडिटर्मिनेंसी उसका जीरो होता है, इसलिए डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी इसका कितना हो जाएगा, टू। स्टैटिक इंडिटर्मिनेंट के कारण स्टैटिक एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेंट का टू आया और इंटरनल जीरो है, तो इसीलिए स्टैटिक इंडिटर्मिनेंट कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, और यहाँ तक क्लियर है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि डिग्री ऑफ स्टैटिक, डिग्री ऑफ स्टैटिक्स इक्वल टू होता है डी एस ई प्लस डी 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 एस आई, डिग्री ऑफ इंटरनल और ये एक्सटर्नल, ई से मतलब एक्सटर्नल, आई से मतलब इंटरनल। यहाँ तक क्लियर है, ठीक। तो अब आगे चलते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हमारा ये वैल्यू कितना आया था, टू आया था, और प्लस इसका वैल्यू हमारा कितना आया था, इसका वैल्यू आया था हमारा जीरो, तो हमारा कितना हो गया, डी एस का वैल्यू हमारा टू हो गया। और हमेशा आप याद रखिए कि डी एस आई जो होता है वो हमेशा कितना होता है, जीरो होता है, किसके लिए, बीम के लिए, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम जो एट नंबर जो देखेंगे, एट नंबर कहाँ है, क्वेश्चन नंबर एट तक, सेवन तक क्लियर हो गया, और क्वेश्चन नंबर एट हम देखेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है, थैंक यू।